दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि जो मैंने टाइटल दिया था कि निफ्टी जो है कि एक डेंजर जोन के ऊपर है, यानी कि इस जोन को मार्केट ने बहुत बार अप्रोच किया है और ये ब्रेक होने का ज्यादा चांसेस था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और मार्केट जैसे कि आज डाउन में ओपन हो गया, नीचे भी गया और नीचे से मार्केट ने 100 पॉइंट्स का यहाँ पे रिकवरी किया। और जैसे कि जो 19,500 है ये लेवल, इसने आज ब्रेक किया है और कल ज्यादा इंपॉर्टेंस दिन है। कल जो है कि वीकली एक्सपायरी है निफ्टी का, तो कल का एक्सपायरी जो है वो कहाँ पे होगा और कल मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आगे तक देखते रहिए। सो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 5 अक्टूबर को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिस स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे निफ्टी से। तो दोस्तों, जैसे कि मैं इंट्रो में आपको बताया कि ये जो निफ्टी का लेवल ब्रेक हुआ है 19,500, और उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो लेवल्स है ये बार बार अप्रोच हो रहा है और ये ऊपर एक बार कोशिश करने के बाद फिर से ये लेवल पे आया, तो ये ब्रेक होने का चांसेस यहाँ पे ज्यादा था और जैसे मैंने कल बताया था वैसे ही आज ब्रेक हुआ है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि मार्केट नीचे गिरने के बाद यहाँ से 100 पॉइंट यहाँ पे कवर भी हुआ है, तो ये इसमें ट्विस्ट है। तो इसके बाद हम कैसे ट्रेड करेंगे और कल जो कि एक्सपायरी का लेवल भी कैसे होगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं कि आज का कैंडल, जो आज का कैंडल बना है ये रिकवरी कैंडल बना है। भले ही मार्केट नेगेटिव, यहाँ पे हमको मार्केट जो है कि 92 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन ये जो लो बना है ये लो से मार्केट जो है कि 100 पॉइंट जो है यहाँ से कवर हुआ था। तो ये जो पॉइंट जिस यहाँ से यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं था, तो हमको जो आज का रिकवरी का पॉइंट मिल गया है ये जो है हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा 19,334। और आज का कैंडल का जो हाई बना है ये हमारे लिए कल एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। जो हाई यहाँ पे है 19,459 और ऊपर 19,500 जो लेवल लगभग ये हमारा ये ब्रेक हुआ है, ये लेवल भी हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। यानी कल अगर मार्केट शुरू होता है तो पहले ये दो रेसिस्टेंस हमको यहाँ पे लग सकते हैं। अगर मार्केट 19,500 के ऊपर सक्सेसफुली अगर ये क्लोज होता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा 19,623, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। और कल जैसे कि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में क्या होता है कि जितने भी मैंने एक्सपायरी जो कि देखे तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम डोजी कैंडल भी आता है। यानी मार्केट जो है कि सुबह जो ट्रेंड होता है उसके अपोजिट ट्रेंड होता है, ऐसे 4 में से कम 3 एक्सपायरी में होता ही होता है। तो कल हम लोग देखेंगे कि क्या लेवल्स बने हैं, जैसे कि हमने चार्ट के ऊपर देखे वैसे हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर भी देखेंगे, क्योंकि कल क्या होता है कि ऑप्शन चेन में जो ज्यादा इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर कि लोगों के पोजीशन कैसे बने हमको ऑप्शन चेन भी दिखते हैं। तो हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करेंगे और फिर हम लोग इंट्राडे में भी लेवल्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेन जाके देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन रीड करने वाले हैं और रीड करने के टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन है हम लोग देख रहे हैं 5 अक्टूबर का, जो कि वीकली एक्सपायरी होता है निफ्टी का। यहाँ पे अगर हम लोग कॉल साइड देखेंगे तो वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे और पुट साइड में सपोर्ट, और उसके लिए हमको एट द मनी जो है एट द मनी के आसपास जाना पड़ेगा, वहां से कैसे पोजिशन बने हम लोग देखेंगे। तो एट द मनी जो है कि 19,400 450 ये एट द मनी है। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे तो जो डेटा हमारे सामने है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे एट द मनी 19,450 है जहाँ से मार्केट उसके बहुत करीब है। उसके थोड़ा सा हम लोग ऊपर देखते हैं तो 19,500 ये जो है कि एक नजदीक वाला रेजिस्टेंस है, लेकिन थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 19,600 का। तो यहाँ पे 19,600 में हम लोग देखेंगे तो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा है, बट जो कि 19,500 जो है उसके ऊपर जो है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे 19,500 जो है कि ये पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा ही होगा, कि यहाँ पे अगर हम लोग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के ऊपर देख रहे हैं तो हम 19,500 का ये रेजिस्टेंस देखेंगे, जो कि इमिडिएटली 50 पॉइंट के आसपास लगेगा। लेकिन 50 पॉइंट तो मार्केट ओपन होते होते ही गैप अप होता है तो वो क्या करेगा, हिट कर सकता है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो कि सेकंड मोस्ट चेंज इन ओपन प्राइस और कम्युनिटी में फर्स्ट आता है वो है 19,600।
हम लोग यहाँ पे 90,600 ही जो है कि हमारा रजिस्टर ले सकते हैं कि मैक्सिमम मार्केट कल यहाँ पे जा सकता है। अगर हम लोग सपोर्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी में सबसे ज्यादा नजदीक पे हमको सिर्फ 2,51,000 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज इन ओपन पे भी देखिए 1,34,000 है, यानी 19,400 ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो 19,400 से लेके 19,600 ये हमको ऑप्शन चेन के ऊपर जो है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लग रहा है, यानी 19,400 अगर ब्रेक होता है तो भी मार्केट बहुत जल्दी और नीचे आएगा, और 19,600 ब्रेक होता है तो और ऊपर जा सकता है। बट अगर हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो 19,500 के ऊपर क्लोज होना, वहां पे क्लोज देना, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है। ये जो रेंज है वहां पे आपको अगर कोई स्ट्रेटेजी करनी है या फिर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो। सामने जो डेटा दिख रहा है उसको मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि निफ्टी में इंट्राडे में हम लोग इंट्राडे करेंगे तो 5 मिनट के ऊपर कैसे चार्ट बना है। तो यहाँ पे 5 मिनट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 19,459 ये लेवल नजदीक है। अगर ये लेवल निफ्टी कल निकालता है, अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम लोग जो है कि निफ्टी बाय कर सकते हैं। सेलिंग के लिए थोड़ा हमको एक लेवल नजदीक वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे वाला जो लेवल है ये बहुत ही दूर है। तो यहाँ से जो मार्केट को बाय आया था जिस लेवल से 19,394 के नीचे अगर जाता है तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी में सेल करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पे 90 पॉइंट डाउन है, लेकिन बैंक निफ्टी 435 एक्चुअली ये प्रोपोर्शन में देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी 200 पॉइंट डाउन होना चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे ज्यादा हमको डाउन दिख रहा है, यानी बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक है। और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट था 44,182 इसके नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी फिर से अगर पॉजिटिव जाना चाहता है, जैसे कि निफ्टी पे 19,500 लेवल है वैसे यहाँ पे 44,182 लेवल है, अगर इसके ऊपर फिर से क्लोज होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी जो लेवल आज उन्होंने ब्रेक किया है, अगर कल वो लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ से रिवर्सल भी होने का चांसेस है, क्योंकि कोई भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है कभी भी ब्रेक होता है एटलीस्ट उसके नीचे 2 दिन मार्केट क्लोज होना चाहिए। एक दिन का हिसाब से हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते कि सपोर्ट ब्रेक हुआ है और हमको सेल ही देखना है, ये अच्छा याद रखो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी का ये जो लेवल ब्रेक हुआ है, कल ये ब्रेक होता है कि देखना चाहिए 43996 ये लेवल भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में ब्रेक हुआ है, तो कल का जो सपोर्ट रहेगा हमारा वो लेवल हो सकता है आज का लो लगभग 43843 ये लेवल हो सकता है। तो कल हम लोग अगर बैंक निफ्टी 44182 के ऊपर अगर जाके क्लोज होने में अगर सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे रिवर्सल भी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता है तो डाउन साइड कंडीशन हो सकता है। हम लोग बैंक निफ्टी पे देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे 5 मिनट में नीचे का जो लेवल है बैंक निफ्टी का इसके जो है कि 43847 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। बाइंग के लिए मुझे अलग सा लेवल निकालना पड़ेगा जो है कि हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा लेवल है लगभग वो लेवल के आसपास ही यहाँ पे मार्केट है। तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा बाइंग के लिए 44043 के ऊपर जाता तो ये बैंक निफ्टी में हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। अगर हम लोग देखते हैं कि फिन निफ्टी का अगर हम लोग लेवल देखते हैं यहाँ पे, तो फिन निफ्टी देखिए कि जो भी एक सपोर्ट लेवल दिया था 19,536 बिल्कुल यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, यानी फिन निफ्टी अभी तक यहाँ पे देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल पे है, ये सपोर्ट लेवल इसने ब्रेक नहीं किया। फिन निफ्टी को फिर से रेंज में आना है तो अगर फिन निफ्टी एटलीस्ट 19,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे ये अपने रेंज में आ जाएगा। अगर फिन निफ्टी ये लेवल 19,500 अगर ब्रेक करता है तो ये पैनिक हो सकता है। फिन निफ्टी में हमको अगर इंट्राडे करना है तो हम लोग देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो फिन निफ्टी में हम लोग सेल करेंगे 19,536 के नीचे जाता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। फिन निफ्टी में बाइंग करना है तो वो लेवल होगा यहाँ पे 19,609 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे। दोस्तों कल हमने कुछ स्टॉक देखे थे तो मार्केट जैसे कि गैप डाउन हुआ और फिर से कवर हुआ। अगर हम लोग HDFC में देखेंगे अपना टारगेट तो हो गया, लेकिन क्या हुआ कि जो है कि मार्केट वहां से कवर हुआ 14,1489 ये टारगेट दिखे ऑन डॉट हुआ है, लेकिन मार्केट ये नीचे से ऊपर गया इसलिए आपको ये ट्रेंड मिला भी नहीं होगा। और हम लोग रिलायंस में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी नीचे जाने के बाद कवर हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है कि अपना जो लेवल था
उससे नीचे थोड़ा गया भी था, तो दोनों भी कॉल हमने दिए थे तो टेक्निकली ये रिसेट नहीं हुए, कोई बात नहीं है। और जो एलएनटी भी दिया था हमने तीसरा, तो एलएनटी को हमने बाई लेवल दिया था, उसके ऊपर आया नहीं। तो देखो आपको कॉल इनिशिएट नहीं हुए तो चलेगा, लेकिन इमीडिएटली आपको कॉल करना नहीं है। मार्केट कैसे ओपन होता है वो देख के आपको करना है, आपके लेवल प्रॉपर आते हैं तो करना है, यानी कि ये बाइंग का लेवल है। अगर इसके ऊपर नीचे से ऊपर जाता है तो बाय करना है, और ये सेल का लेवल है तो ऊपर से नीचे जब ब्रेक करता है तभी सेल करना है। तो ऐसे ही तीनों में भी मोस्टली कुछ हुआ नहीं है, तो तीनों भी एक्टिवेट नहीं हुए, तो कोई बात नहीं। कल के लिए हम लोग कोई स्टॉक देखते हैं। तो पहला जो स्टॉक है मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा TCS, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो टेक्निकली यहाँ पे कुछ हो रहा है, जैसे कि ये सपोर्ट था इसको ब्रेकआउट किया और अगली लेवल पे ब्रेक TCS ने रिटेस्ट किया, और जो कैंडल बनाया ये कंप्लीट बुलिश इंडक्शन कैंडल है। तो यहाँ पे हम लोग TCS में 3549 के ऊपर ज्यादा तो हम लोग बाय करेंगे, टारगेट आएगा 3598 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है यहाँ पे वो रहेगा रैमको सीमेंट। इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, नियर जो हाई थे जितने भी हाई थे उसको ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। 956 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, 969 का पहला टारगेट यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।